क्या पैकिंग करके दिया है दोस्तों, निकलता नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड माय चैनल ड्रीमर फादर। तो दोस्तों आज जो है कि जो सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है, आप लोग देख सक रहे हैं इधर बारिश। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ और उसमें बारिश का पानी टपक रहा है। तो आज सुबह सुबह बारिश हो गया है और सारा दिन को कोई काम नहीं हो पाएगा, सोच रहे क्या करेंगे। और घर में ऐसे बैठा था, घर में सुबह से नहा धो के बैठ के मतलब कुछ काम कर रहा था, काम करते करते मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि आज सारा दिन करें क्या, ऐसे छुट्टी का दिन है और आज जाना था बाहर तो नहीं जा पाया। देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं अभी तो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अभी आधा घंटे के अंदर वो उसको हम जो है कि पब्लिक कर देंगे। अभी टाइम भी कितना 11:45 हो चुका है सुबह से, मतलब बैठ के क्या करें, मौसम सुबह से इतना ख़राब है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर ये जो है कि वीडियो तो अपलोड करने के बाद सोच रहे हैं, देखते हैं बाहर कहीं जाएंगे, बारिश तो हो रहा है, अगर होगा तो कुछ वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोला था कि जी आज कहाँ जाएंगे, बारिश वगैरह हो रहा है लेकिन आज कहीं नहीं जा पाए, वजह से तो घर में रहना पड़ा आज। तो अभी क्या करेंगे ना, वो दो तो जो पार्सल आया उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। एक तो पार्सल हम मंगाया है और दूसरा पार्सल घर में बच्चा लोग मंगाया है, बच्चा लोग क्या मिसेस अपना जो उषा जी मंगाया है, ठीक है। तो चलिए अभी उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं जो मंगाया था वो जो आपको बोला था, क्या पता है ना, जो कैमरा का जो किट वगैरह है वो मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो कैसा क्या वो दिखाएंगे और मैडम जी क्या मंगाया उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दोनों सामान है, ये दोनों सामान आया, ये वाला सामान हम मंगाया है, ठीक है, और ये जो उषा जी मंगाए बहुत भारी कौन ना मुझे देखते हैं क्या है ये हैं। इसको क्या है देखते हैं, क्या मंगाया जी, डंबल्स 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 एक्सेसरी की ले रहा है। हाथ में लग जाएगा देख के। तो भी निकालो। तो दोस्तों ये प्लास्टिक वाला डंबल्स, प्लास्टिक पहले लोहा का आता था, अभी प्लास्टिक वाला डंबल्स है एक्सरसाइज करने के लिए। इसके अंदर कुछ है, बज भी रहा है, कुरकुर आवाज हो रहा है, उसके अंदर कुछ है। ये हो गया, ये तो एक तो डंबल्स लाए, ये उषा जी एक्सरसाइज करेंगे, उषा जी नहीं हम भी करेंगे। ये दूसरा ये है जो हम मंगाया था, देखते हैं इसमें क्या है। ओ कुछ इस तरीके से सामान नहीं निकला भाई, ये एक तो ये फोन रखने वाला ये है स्टैंड, देखिए ये मोबाइल जो है मोबाइल को रखने वाला है, और ये जो है कि तो माइक है, ये एक तो माइक है, और इसमें से कितना कुछ निकला है। ये जो स्टैंड है ये हेलमेट में लगा रहेगा, समझे, तो यही कुछ सामान है। दोस्तों ये जो स्टैंड है मोबाइल वाला, हम इसको जो है इसको फिक्स कर दिया हूँ, लेकिन अभी तो हेलमेट यहाँ पर नहीं, हेलमेट नीचे है, ये तो पुराना हेलमेट है, कल इसको हेलमेट में लगाएंगे और लगा के तो मोटो ब्लॉगिंग करेंगे और पब्लिक का जो है रिएक्शन भी देखेंगे बाहर जाके कि क्या रिएक्शन रहता है। और अभी तो हो गया रात को 10:30 बज रहा है, अभी हम नहीं जा पाएगा, अंदर में कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो इसको जो है कल हम चेकिंग करेंगे। तो दोस्तों हम अभी लगा दिए हैं हेलमेट के साथ जो है कि हम अपना कैमरा सेटिंग कर दिए, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग रहा है।
और जो है कि जे मतलब हमको तो अभी पता नहीं कि कैसे होता है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ कि कैसे उसका एंगल वगैरह आता है। और मेरे पास तो अच्छा हेलमेट नहीं है जिसका वजह से हम उसको नहीं लगाता है, दोस्त का पुराना वाला हेलमेट ला के मांग के थोड़ा सा इसको चेक कर रहा हूँ, बाद में तो हेलमेट ले लेंगे। तो अभी चलते हैं बाहर में, बाहर में जाके थोड़ा सा रिएक्शन लेंगे। कैसा लग रहा है, हैं? अच्छा है तो कर रहा जा रहा है। चल सब हंस रहा है देखते, बोल रहा है कि संतोष भाई क्या लगा लिया अपना। तो दोस्तों आप लोग बोलिएगा अभी जो है कि कितना कुछ दिखाई दे रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा अभी। थोड़ा सा रिएक्शन लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा एक्चुअली कैसा हो रहा है रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और ये हेलमेट पुराना हेलमेट है जिसका वजह से मेरा सर पे रह नहीं रहा ठीक से, इसलिए हमको लग रहा है कि तो नया हेलमेट लेना ही पड़ेगा। देखो ये कैसे रॉन्ग लाइन में आ रहा है, देखो यही चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कौन कैसा क्या गलत कर रहा है ठीक कर रहा है। और ये जो है हम लोग का बंदर है कोट, पुलिस बुला रहा है उसको यार, बेटा वो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। पुलिस वाला गाड़ी को बुला रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा है। एक बात बोले दोस्तों, एक्चुअली आपका दिल में जो काम करने को मन करता है वही काम कीजिए। हाँ ऐसा काम कीजिएगा जो कि किसका मन को हाक ना हो और अपना पिताजी का माताजी का घर का नाम बदनाम ना हो, वैसा काम कीजिए। और दिल को जो काम अच्छा लगता है वही काम कीजिए, देखिएगा कभी दुख नहीं होगा। ये मेरा उम्र होने से क्या हुआ, मेरा इच्छा है कि भाई एक्चुअली क्या है ना, समय का अनुसार अगर आप खुद को अगर चेंज नहीं करते हो ना तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए समय का अनुसार जो भी काम होता है और समय जैसे चेंज होता है तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने खुद को चेंज करो। देखो आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। मेरा आज का ये नया वाला स्टाइल, पूरे बाप रे बाप कितने जोर से स्पीड से गया, देखो ऐसा रोड कोई करता है, ऐसा ही एक्सीडेंट होता है क्या? चुतिया जैसा गाड़ी भगा के लेके गया। यहाँ से हम लोग बाएं चला जाएंगे, एक्चुअली इसके लिए हमको अलग से हेलमेट एक लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सही नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये इलाका पूरा ट्रांसपोर्ट इलाका है, ट्रांसपोर्ट इलाका है, आपको हर तरफ गाड़ी मतलब ट्रक ही नज़र आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब लाइव चलेगा टेलीकास्ट, जहाँ जाएंगे वहीं से वीडियो उठेगा। तो दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ,
और आप लोग देखें कि कैसे मैं आज जो वीडियो बनाया मोटो ब्लॉगिंग का, तो आज कुछ मुझे अलग सा लगा, अलग सा फीलिंग हुआ। मैं फिर आके देखा कि जो वहाँ पर जो है स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर नहीं आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में चेष्टा करूँगा कि स्पीडोमीटर को भी लाने के लिए, कि जैसे दूसरा ब्लॉगर्स वगैरह जो है वो करते हैं, स्पीडोमीटर भी आता है और रास्ता वगैरह भी सामने का दिखाई देता है, तो वैसा मैं करूँगा। तो कुछ अलग सा महसूस हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। ठीक है, तो फिर जो है कि आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। और आज का ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और जो नए इस चैनल में आप जो है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग का आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कोई नया ब्लॉग में, नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।